हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपन लिविंग डॉक्टर पूनम। कैंसर का नाम सुनते ही हर कोई घबराने लग जाता है। अगर उसको नए भी है कैंसर और उसको थोड़े से भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसके मन में ये घबराहट होने लग जाती है कि कहीं किसी को उसको या किसी की फैमिली मेम्बर्स को कैंसर की प्रॉब्लम ना हो। और इन्हीं में एक कैंसर है, वो है ओरल कैंसर, यानी कि मुंह का कैंसर। ये जो मुंह का कैंसर होता है, ये हमारी बॉडी में फैलने में कितना वक्त लेती है। मेरा आज का जो वीडियो है या टॉपिक है, इसी पे है कि माउथ कैंसर को फैलने में कितना समय लगता है। जनरली माउथ कैंसर, अगर हमारे टंग पे कोई कैंसर है तो उसको माउथ कैंसर बोलते हैं। हमारी जिंजाइवा पे, जो हमारा मसूड़ा होता है, उस पे अगर कैंसर की कोई ट्यूमर बन जाती है तो उसको भी हम माउथ कैंसर या ओरल कैंसर कहते हैं। हमारा गाल का अंदरूनी पोर्शन होता है, वहाँ पे हमारे टंग के नीचे की पोर्शन जो फ्लोर होती है टंग की, वहाँ पे अगर ट्यूमर है तो इन सबको हम माउथ कैंसर या ओरल कैंसर कहते हैं। तो इसको हमारी बॉडी में फैलने में कितना वक्त लगता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ओरल कैंसर को फैलने में कितना वक्त लगता है। ये डिपेंड करता है कि बॉडी पे, यानी कि बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है वो कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, जो सेल्स होते हैं कैंसर के, जो सेल्स होते हैं उसको डिवाइड होने में कितना रिस्पॉन्ड करती है। और हमारी एज फैक्टर क्या है, मोस्टली क्या होता है, 50 प्लस जो लोग होते हैं उनमें ओरल कैंसर ज्यादा होता है। हम पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि वो टोबैको च्यूइंग, शराब का सेवन, ये सब ज्यादा करते हैं तो उनमें ज्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को नहीं होता, उनमें भी बहुत होता है, बट पुरुषों में ज्यादा होता है। तो अब ये फैलता कैसे है और कितना टाइम लेता है। जो क्रोनिक कैंसर होता है उसको फैलने में, जैसे स्टार्ट में तो पता चलता ही नहीं है अगर माउथ में, क्योंकि कोई दर्द नहीं होता, कुछ भी फीलिंग नहीं होती। अगर आप जब तक किसी डेंटिस्ट या डॉक्टर को नहीं दिखाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपको ओरल कैंसर है। जब वो कैंसर लिम्फ नोड, जो हमारे गले में जो लिम्फ नोड होता है वहां जब पहुंचता है, तभी आपको पता चलता है कि आपके कैंसर, आपका ओरल कैंसर है या नहीं है। तो इसको कम से कम, अगर क्रोनिक स्टेज में है तो कम से कम इसको 8 से 10 साल लग जाते हैं लिम्फ नोड तक पहुंचने में। और लिम्फ नोड से उसके बाद वो अपने बॉडी के जो अन्य पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीवर में, किडनी में, बोन में, इन सब में फैलने लग जाता है, स्प्रेड होता है। और ये तो बात हुई क्रोनिक कैंसर की। लेकिन जो एक्यूट कैंसर है, यानी कि जो हमारी सेल्स होती है वो बहुत जल्दी डिवाइड होती है और वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो ये जो एक्यूट कैंसर होता है उसको फैलने में, लिम्फ नोड तक पहुंचने में लगभग 6 महीने से 2 साल लगते हैं, यानी 6 months to 2 years के अंडर आपके ये कैंसर है वो फैलने शुरू हो जाता है। और लिम्फ नोड तक पहुंचते ही पता चल जाता है कि आपके कैंसर है, लेकिन बहुत जल्दी ये आपके दूसरे पार्ट, जैसे कि लीवर में, बोन में, फेफड़ों में, जो हमारे लंग्स होते हैं वहां तक पहुंच जाता है। और फिर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन का रूप ले लेता है, जिसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि भी कैंसर को फैलने में कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर हम शुरू से ही, हमें पता चल जाए माउथ में ही, अगर हमारे कोई भी, अगर आप डेंटिस्ट को आपको कुछ भी दिखाई देता है, वाइट पेचेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको कोई ट्यूमर दिखाई दे रहा है, अचानक से आपके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपके दांत है हिलने लग गए हैं, ऐसे कोई भी अगर आपको कंडीशन दिखाई देती है जो आपको ऐसा लगता है कि ये आगे जाके कोई सीरियस प्रॉब्लम ले सकती है, तो आपको तुरंत अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट या फिर किसी भी डॉक्टर को, ओरल सर्जन को आपको दिखाना चाहिए और इसका स्टार्ट में ही इलाज करवा लेना चाहिए ताकि ये आगे फैले नहीं। अगर लिम्फ नोड तक नहीं पहुंचता है तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इलाज इसका हो सकता है और इससे इंसान की जान बच सकती है। तो हमें समय समय पर अपने माउथ की, हमारे ओरल हाइजीन को, हमारे जो हमारी ओरल कैविटी है उसको चेक करवाते रहना चाहिए ताकि ऐसी कोई भी कंडीशन हमें आगे जाके फेस नहीं करनी पड़े। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग तंबाकू का सेवन करते हो, पान पुड़ियों का सेवन करते हो, या फिर स्मोकिंग करते हो, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो आप इनको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये आगे जाके आपके जो ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, उसका रूप ले सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उसको आप अवॉइड कीजिए, स्टॉप कर दीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके द्वारा आप इनको छोड़ सकते हैं।
तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।